Hello students, in today's video we will discuss question number 6 from chapter mensuration exercise 11.4. So question is, a milk tank is in the form of cylinder whose radius is 1.5 meter and length is 7 meter. Okay, find the quantity of milk in liters that can be stored in the tank. ठीक है, यहाँ पे एक मिल्क का टैंक है जो किस शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का है, ठीक है, और जिसकी आपको रेडियस दे दी गई है 1.5 मीटर एंड लेंथ भी दे दी गई है. ओके, तो आपको बताना है कि वो टैंक जो है कितनी क्वांटिटी को होल्ड कर सकता है उस टैंक के अंदर. जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, जब कुछ होल्ड करने की बात आए ना, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की, ठीक है. तो यहाँ पे भी हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पूछा गया क्या गया है कि इन लीटर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक. ओके, लीटर में बताना है बात, ठीक है, चलिए लीटर में बताना है, लेकिन यहाँ पे यूनिट जो है मीटर में दी गई है. चलिए आगे देखते हैं लीटर कैसे आएगा. सबसे पहले तो हमें वॉल्यूम निकालना है, इतना मुझे पता है कि कुछ चीज़ होल्ड हो रही है तो उसके लिए वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, ठीक है. वॉल्यूम का सिलेंडर के लिए क्या फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच. ओके, 22/7 एंड आर जो आपकी रेडियस दे रखी है 1.5 × 1.5 स्क्वायर है ना, इसलिए ठीक है, 7 7 कैंसिल आउट हो जाएंगे. फिर इसका मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, फाइनल जो इसका मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट आएगा 49.5 मीटर क्यूब, ठीक है. अब मैं आपको बताऊं कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, ठीक है, तो बस यहाँ पे रिप्लेस कर देना है, ठीक है. ये मीटर क्यूब हटा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लीटर में आंसर चेंज हो गया, सिंपल. 10 यहाँ से गया, 10 यहाँ से चला जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर 2 0 लग जाएंगे, ठीक है. तो ये लीटर में आपका आंसर रेडी है, ठीक है. होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले. थैंक यू सो मच.